कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे, बहुत अच्छा खाना खा के अपनी सेहत बना रहे होंगे। क्यों बना रहे होंगे? क्योंकि अब स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, सब मम्मी लोग से एक फरमाइश कर रहे होंगे और मम्मी लोग उसको पूरा कर रही होंगी, है ना। वैसे मैं यही बोलूंगी बच्चों, हेल्दी खाइए, अपने को स्वस्थ रखिए कि नीट के पेपर को देने के लिए लड़ पाए। सो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी ज़ुबोट क्लासेस, लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, आज मैंने एक नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है जिसमें 100% वन क्वेश्चन आता ही है। आपके नीट में भी आएगा और आपके CBSE में भी आएगा। सो टुडेज टॉपिक इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है अबाउट 15 मिया, मीन्स 15 मिलियन ईयर्स एगो, प्राइमेट्स वर कॉल्ड Dryopithecus and Ramapithecus, okay? Dryopithecus कैसे दिखते थे and Ramapithecus कैसे दिखते थे, अब हम वो जानते हैं। So Dryopithecus more ape-like थे, Ramapithecus more man-like थे। So see the difference between these two and how they walked like gorillas and chimpanzees। तो कैसे चलते थे? Gorillas and chimpanzees की तरह। In Ethiopia and Tanzania, few bone fossils were again discovered and revealed the hominid features. कौन से features revealed किए? Hominid features. ये hominid features more or near like man थे, okay? Then about 3 to 4 mia, यानी million years ago, man like primates walked in eastern Africa. So धीरे-धीरे जब discoveries होने लगी तो हमको मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक करते मिले, वहां कहां? ईस्टर्न अफ्रीका में। देन नॉट टॉलर देन 4 फीट, दे वर नॉट टॉलर देन 4 फीट, वो 4 फीट से लंबे थे ही नहीं एंड वॉक्ड अपराइट। एक चीज उनकी अच्छी थी कि वो सीधा चलते थे। अबाउट 2 मिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर इवॉल्व एंड दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड अगेन। ओके, सो सारे जितने इवोल्यूशन है आप ये देखिए ईस्ट अफ्रीका में ही इवॉल्व हो रहे हैं। देन दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट्स। इनकी एक खासियत थी कि इनका जो वेपन्स था वो स्टोन था, तो स्टोन से ये अपने फ्रूट्स तोड़ के खाते थे। सो मैं आपसे एक प्रश्न बोलती हूँ, कभी आपने स्टोन को वेपन बना के आम या अमरूद तोड़ा है? सो नहीं तोड़ा तो आज तोड़ के देखिए और फिर मोहल्ले वालों की डांट खाइए। ओके, देन अगेन फ्यू बोन फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड एंड दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग होमिनेट। सो फर्स्ट टाइम इतना होने के बाद फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग के कैरेक्टर्स को उन्होंने होमिनेट बोला और उसका फर्स्ट नाम दिया होमो हैबिलिस। क्या नाम दिया? होमो हैबिलिस। इट मीन्स होमो हैबिलिस इज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग होमिनेट। और इसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी दैट वाज 650 टू 800 सीसी एंड दे डिड नॉट ईट मीट। ये मीट नहीं खाते थे। अगेन फ्यू फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन 1891 एंड अबाउट 1.5 मिया होमो इरेक्टस वर इवॉल्व एंड द ब्रेन कैपेसिटी वाज 900 सीसी एंड द ब्रेन वाज लार्ज। देन दे ईट मीट। होमो हैबिलिस ओनली 8 fruits, Homo erectus only 8 meat. So about 1 lakh to 40 years back, Neanderthal man were discovered. They lived near East and Central Asia, and their brain capacity was 1400 cc. And हम human being की भी brain capacity कितनी है? 1400 cc. Now they protected themselves from hiding. So ये कैसे protect करते थे अपने आप को? Hide करके। That means they knew that and buried their deaths. Now Homo sapiens arose in Africa and moved across the continents and developed into distinct races. So finally Homo sapiens were evolved. Okay, and they were roaming here and there in the continent and finally they showed their distinct races. It means यही से genetic जो characters हैं, variations हैं, वो दिखना start हुए। Then after modern Homo sapiens evolved before Ice Age and what was the Ice Age? 75,000 to 10,000 years back. Then after
prehistoric cave art developed. क्या डेवलप हुआ? Prehistoric cave art developed about 18,000 years back. Common example, Bhimbatika rock shelter. Then agriculture came around 10,000 years back. And finally agriculture आया और इस तरीके से human being का settlement हुआ इस धरती पर. So बच्चों चलो एक recap ले लेते हैं हम इसका. सबसे पहले Dryopithecus, then Ramapithecus, then after एक ऐप लाइक एक मैन लाइक और वो वॉक गोरिल्ला चिंपैंजीज की तरह करते थे. देन आफ्टर फ्यू फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए और हमको क्या मिला, मैन लाइक प्राइमेट्स मिलना स्टार्ट हुए. सो हमको मिला ऑस्ट्रेलियोपिथिकस. ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद हमको कंप्लीट फर्स्ट ह्यूमन बींग लाइक होमिनिड फीचर्स मिले, जिसको फर्स्ट ह्यूमन बींग बोला होमो हैबिलिस, जिसके पास जो ब्रेन था 650 to 800 cc था. ओके, देन आफ्टर फिर से कुछ फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए. देन बच्चों हमारा आया होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 900 सीसी थी. एंड फिर हमारा आया नियंडरथल मैन, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी. फिर हमको होमो सेपियंस के बाद मॉडर्न होमो सेपियंस मिला. फिर प्री हिस्टोरिक केव आया जिसमें भीमबाटिका के रॉक शेल्टर देखने मिलते हैं. एंड एट लास्ट हमको एग्रीकल्चर सेटलमेंट मिला. सो ये था बिल्कुल हमारा एज इट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन. बच्चों आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा इवोल्यूशन के बारे में, मेरे को लाइक शेयर एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा. आई होप ये टॉपिक आपके नीट की सारी प्रॉब्लम और सीबीएसई की प्रॉब्लम्स को क्लियर करेगा. गुड डे.